राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रकटोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम में संघ के सरकारी वाह दत्तात्रेय होस बोले बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए केंद्रीय पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान संघ के स्वयंसेवकों ने शारीरिक क्रियाओं का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में 2500 से अधिक स्वयंसेवक शाखाओं में प्रतिदिन चलने वाले शारीरिक अभ्यास का प्रदर्शन हुआ। शाम 4:30 बजे शुरू हुए कार्यक्रम में स्वयंसेवक दल के 10 प्रगत योग, समता दंड योग, व्यायाम योग, बैठकर करने वाले योग आदि का प्रदर्शन किया गया और इस कार्यक्रम में घोष के 3 दलों ने घोषवादन किया और कार्यक्रम में प्रांत संघचालक अशोक पांडे, विभाग संघचालक डॉक्टर राजेश सेठी मौजूद रहे। योपा करोतम प्रवरम मुनिना पतंजलि प्रांजलि राम पोषण। भोपाल महानगर के संघ की तरफ से प्रकटोत्सव ऐसे इसको जिसको कहा है ऐसे यह कार्यक्रम हो रहा है। एक दृष्टि से यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भोपाल शाखा के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम जैसे है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने योग्य है, साथ ही क्रांतिकारी नई तकनीकी के विकास, नए उद्योग और व्यवसायों की पूरी मानव जाति को अपना उपभोक्ता बनाने की ललक और हमारी नई परतंत्रता की उभरती संभावनाओं से बचे रहने के लिए वैश्विक मूल्यों के अनुरूप स्वस्थ, अनुशासित और स्वावलंबी मानव निर्माण का अनुष्ठान भी हमें करते रहना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह की बातें आज मैंने यहाँ देखी हैं आप इसको कर सकते हैं।